तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एक 8 से 10 लाख रुपए के बजट में एक एसयूवी कार खरीदना चाहते हैं तो पेस है भाई आपके सामने मारुति की ब्रेजा। और ये जो आप इसका वेरिएंट देख रहे हैं, ये इसका मेरे सामने LXi वेरिएंट है, जो कि 8,29,000 रुपए एक शोरूम हरियाणा पलवल के अंदर पड़ता है। तो इसके जो कॉम्पिटिटर है वो है किया की सोनेट, होंडे की वेन्यू और टाटा की नेक्सोन। तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि भाई क्यों उन सभी गाड़ियों को छोड़कर आपको जो ब्रेजा परचेज करनी चाहिए मारुति की तरफ से आने वाली, क्या कुछ ऐसी खास बातें हैं, क्या कुछ खास फीचर्स हैं, क्या कुछ आपको जो लुक्स ऑफर करती है, क्या कुछ डिटेल्स ऑफर करती है, तो उसी बारे में हम जो प्रॉपर आज बात करने वाले हैं। तो भाई वीडियो को एंड तक देखें, सारी डिटेल्स आपको इसी वीडियो के अंदर जो है मिलने वाली है। तो भाई अगर इसके हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये इस गाड़ी का बेस वेरियंट है जो कि सिर्फ LXi के नाम से आता है। इसकी अगर हम कीमत की बात करते हैं तो ये 8,29,000 एक्स शोरूम कीमत के साथ पड़ता है पलवल हरियाणा के अंदर। तो 8,29,000 एक्स शोरूम कीमत के साथ ये क्या कुछ आपको ऑफर करती है, तो ये सारी बातें करते हैं इसी वीडियो में। फटाफट जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज भाई हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जो है जल्द से जल्द मिल सके। तो फ्रंट से इसकी शुरुआत करते हैं तो ऐसी कुछ आपको जो प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाती है गाड़ी के अंदर, येलो बीम के साथ ये आपको मिलती है। बाकी यहाँ पे आपको जो इसका टर्न इंडिकेटर मिल जाता है येलो बीम के साथ। बाकी नीचे की तरफ आपको जो इस वेरिएंट के अंदर प्रोजेक्टर्स नहीं मिलते, लेकिन इसके अंदर क्या है किसी की गाड़ी की जानी है तो उस वजह से ना उन्होंने भाई ने लगवा रखे हैं, लेकिन इसमें आते नहीं है, खाली आपको जो हाउसिंग मिलती है खाली। बाकी ऐसी कुछ ब्लैक कलर की आपको जो फ्रंट की स्क्रिप्ट प्लेट है वो देखने के लिए मिलती है। बाकी ऐसी कुछ क्रोम के साथ आपको जो फ्रंट की ग्रिल मिल जाती है गाड़ी में देखने के लिए, बीच में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। बाकी साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं तो साइड की कुछ प्रोफाइल है जो कुछ इस प्रकार की जो गाड़ी की निकल, तो साइड से जो गाड़ी कुछ इस प्रकार की दिखती है। जो इनका साइज है ना, जो ब्रेजा का साइज है भाई, वो ओवरऑल अगर वेन्यू उठाते हो आप या किया की सोनेट उठाते हो या टाटा की नेक्सोन उठाते हो तो उनसे ना है तो उनकी बराबर ही, लेकिन क्या है उनसे ना देखने में थोड़ी बड़ी सी लगती है, चौड़ी चौड़ी सी लगती है। बाकी ऐसे कुछ आपको साइड की प्रोफाइल मिलती है जहाँ पे आपको जो टर्न इंडिकेटर है वो बेस वेरियंट के अंदर भी आपको जो ORVM के ऊपर देखने के लिए मिल जाता है, जो की काफी अच्छी बात है। बाकी बॉडी कलर डी आपको जो डोर हैंडल्स भी गाड़ी में देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी टायर साइज की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे कुछ आपको स्टील लिम्स मिलते हैं, इनकी अगर प्रोफाइल की बात करें तो 215, 60, 8, 16 इंचेस के जो आपको स्टील लिम्स बेस वेरिएंट के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। बाकी ऐसी कुछ ब्लैक क्लैडिंग जो आपको फ्रंट से एंड रियर तक देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा ये पॉइंट्स है जो वो सिल्वर फिनिश के डार्क सिल्वर कलर के साथ जो है मिल जाता है। तो ये थी भाई गाड़ी की साइड प्रोफाइल। अब रियर में चलते हैं, रियर में क्या कुछ बेस वेरिएंट के अंदर जो ब्रेजा ऑफर करती है, क्यों आपको ये लेनी चाहिए ब्रेजा वेन्यू की या सोनेट छोड़कर। तो ऐसी कुछ आपको जो है रियर से जो गाड़ी की लुक है वो निकल के आती है। रियर की तरफ आपको जो है बेस वेरिएंट के अंदर ही LED जो टेल लैंप्स गाड़ी में देखने के लिए मिल जाती है वाई शेप के साथ। यहाँ पे आपका रिवर्स बैक गियर लाइट हो गई। यहाँ पे आपको जो है हैलोजन इंडिकेटर भी गाड़ी में देखने के लिए मिल जाता है। बाकी नीचे की तरफ आपको जो 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं बेस वेरिएंट के अंदर, जो कि काफी अच्छी बात है। बाकी सिगरेट प्लेट है जो बैक की, वो भी आपको जो है मैट ब्लैक कलर के अंदर ही देखने के लिए मिलती है। बाकी दो आपको जो गाड़ी में रिफ्लेक्टर भी गाड़ी में देखने के लिए मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पे सुजुकी का आपको लोगो मिल जाता है और नीचे की तरफ आपको जो क्रोम के साथ ब्रेजा की बैजिंग भी देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पे जो थोड़ा सा क्रोम का यूज, मतलब ब्लैक पियानो ब्लैक फिनिश का यूज किया गया है। बाकी डिफोगर वाइपर आपको इस वेरिएंट के अंदर कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता। ऊपर की तरफ आपको जो शार्कन एंटीना भी गाड़ी में देखने के लिए मिल जाता है। बाकी हाई स्टॉप लैंप हो गया है आपका। बाकी की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी आपको नॉर्मली की मिल जाती है, दोनों ही आपको जो सेंटर लॉक वाली की गाड़ी में देखने के लिए मिल जाती है बेस वेरियंट के अंदर, जिसमें कि आपको लॉक एंड अनलॉक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 200 mm का जो गाड़ी के अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। बाकी अब एक बार मैं आपको ना इसका इंजन चेकआउट करा देता हूँ इंटीरियर से पहले कि इंजन कैसा मिलता है आपको मारुति ब्रेजा के अंदर। तो भाई ये है मारुति ब्रेजा का इंजन, जो कि 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आपको मिलता है। यही एक कारण है कि आपको किया सोनेट एंड होंडे वेन्यू को छोड़कर अगर आप पेट्रोल की एसयूवी लेना चाहते हैं इस सेगमेंट के अंदर तो आपको ब्रेजा इसीलिए प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि जो वो गाड़ी है उनमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि रोड पर चलते समय किसी गाड़ी को जब आप ओवरटेक वगैरह करते हो तो अंडर पावर जो है फील होता है उसके अंदर। इसमें आपको जो है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जिसमें आपको 104 bhp और 140 nm का जो है टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है। बाकी आपको पावर की भी कमी कहीं महसूस नहीं होती।
और वहीं साथ में क्या है, 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ साथ आपको जो है सीएनजी का भी ऑप्शन मारुति ब्रेजा के अंदर देखने के लिए मिल जाता है कंपनी फिटेड, जो कि आपको किया सोनेट एंड हुंडई वेन्यू में देखने के लिए नहीं मिलता, ना ही आपको टाटा नेक्सॉन के अंदर मिलता है। टाटा नेक्सॉन के अंदर आपको 1.2 लीटर का जो पेट्रोल इंजन जरूर मिलता है, वो आपको टर्बो के साथ मिलता है, जिसमें कि आपको पावर इससे अच्छी मिल जाती है विटारा ब्रेजा से, लेकिन उसमें एक कमी है कि वो आपको 3 सिलेंडर मिलता है, जिससे कि आपको थोड़ी सी जो है वाइब्रेशन फील होती है टाटा नेक्सॉन के अंदर। तो फटाफट चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ, कि इंटीरियर में बेस वेरिएंट के अंदर आपको जो है मारुति क्या कुछ ऑफर कर रही है। तो ऐसा कुछ आपको जो बेस वेरिएंट के अंदर ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलने वाला है मारुति ब्रेजा एलएक्सआई के अंदर, जो कि आपको फुली ब्लैक इंटीरियर मिलता है गाड़ी का। यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट के अंदर भी चारों पावर विंडो मिल जाती हैं, यहाँ से आपको डोर अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप जो सीसे होल्ड कर सकते हैं अपने, और यहीं से आप जो अपने साइड के आरवीएम है वो इलेक्ट्रिकली क्या है एडजस्ट भी कर सकते हैं, फोल्ड आप नहीं कर सकते एलएक्सआई वेरिएंट के अंदर। बाकी ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने का आपको यहाँ पे बटन मिल जाता है, लाइट के लेवलर मिल जाते हैं। बाकी अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो ऐसा कुछ आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है गाड़ी का, एनालॉग ही आपको मिलता है, डिजिटल आपको नहीं मिलता है। बाकी ऐसे कुछ आपको छोटी सी आपको जो बीच में एक एमआईडी भी मिल जाती है, जिसमें अपना ट्रिप वगैरह, फ्यूल वगैरह, कितनी गाड़ी चली है, क्या टाइम वगैरह जो भी है अपना जो है आपको प्रॉपर दिखता रहता है। बाकी आपको जो है सेफ्टी में 2 एयरबैग गाड़ी में देखने के लिए मिल जाते हैं बेस वेरियंट के अंदर, आपको ईबीएस ईबीडी जो की नॉर्मल है आजकल सभी गाड़ियों में वो देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी मैनुअली आपको जो गाड़ी में एसी देखने के लिए मिल जाता है, बाकी यहाँ पे आपको जो थोड़ा सा स्टोरेज गाड़ी में देखने के लिए मिल जाता है, और एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट 120 वाट का यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। बाकी ऐसी कुछ आपको गियर नॉब मिलती है 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ, लेकिन एक खास अच्छी बात यह है कि आपको बेस वेरिएंट के अंदर भी ब्लैक कलर की नहीं दी हुई है। काफी सारी गाड़ियों में होता है कि ये ना जो इसका गियर नॉब है ऑल ब्लैक होती है, तो वो काफी मतलब अच्छा सा नहीं लगता, वो ये जो इसमें कांच टाइप लगा होता है ना ग्लास सा ऊपर, इससे क्या है थोड़ा यूनिक सा लगता है गियर नॉब। बाकी ऐसे कुछ 2 कप होल्डर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, ऐसे कुछ आम जो है हैंड ब्रेक आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। स्टेयरिंग की अगर हम बात करते हैं तो आप इसको जो है अप एंड डाउन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, आगे पीछे आप इसको नहीं कर सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ आपको इतना बड़ा सा इसका जो ग्लव बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है। बाकी ऊपर की साइड आपको जो एक टिकट होल्डर मिल जाता है, इधर की साइड अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे भी एक टिकट होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी ट्विटर वगैरह आप अगर यहाँ लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कंपनी ने आपको जो जगह बना के दी है लगाना आपका काम है। बेस वेरिएंट के अंदर आपको स्पीकर ट्विटर कुछ भी नहीं मिलता गाड़ी के अंदर, और उनके जो है आपको जगह प्लेसमेंट की जगह आपको देखने के लिए मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब चलते हैं गाड़ी की रियर सीट की तरफ, कि रियर में आपको क्या कुछ जो गाड़ी ऑफर करती है। बाकी डी कट आपका स्टेयरिंग व्हील मिलता है। बाकी ड्राइवर सीट की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपको जो है नॉर्मली मिलती है, आपको हाइट एडजस्टेबल वगैरह इसमें गाड़ी में देखने के लिए नहीं मिलती। बाकी रियर की अगर हम बात करें तो भाई कैसा कुछ स्पेस जो गाड़ी ऑफर करती है, तो भाई स्पेस की अगर हम बात करें तो कैसी भी जो गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे ढेर सारा जो लेग रूम मिल रहा है। बाकी हेड रूम में मुझे काफी अच्छा मिल रहा है, बीच में आपको जो केबिन लाइट देखने के लिए मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आपको जो पावर विंडो का बटन है उसका ऑप्शन मिल जाता है, ऐसे कुछ मैट ब्लैक कलर के जो आपको डोर ओपनर अपनी गाड़ी में देखने के लिए मिल जाते हैं। पीछे से आपको जो कुछ इस प्रकार का जो इंटीरियर गाड़ी का वो नजर आता है। बाकी रियर में आपको जो है पार्सल ट्रे भी गाड़ी में देखने के लिए मिल जाती है। बाकी अब करते हैं इसके बूट की बात, बाकी मेन बात करते हैं गाड़ी की बूट की, कि बूट आपको जो कैसा कुछ ऑफर करती है मारुति विटारा ब्रेजा। तो ऐसा कुछ आपको जो 328 लीटर का बूट स्पेस गाड़ी में देखने के लिए मिल जाता है, काफी ये जो अपना इसमें सामान वगैरह आप जो ले रख सकते हैं। बाकी स्पेयर व्हील की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको स्टीलियम्स मिलता है गाड़ी में देखने के लिए, जो जी अगर ये टायर साइज की अगर हम बात करें 215/8R16 जो कि स्टॉक टायर है उसके जो अकॉर्डिंग ही आपको मिलता है, छोटा आपको नहीं मिलता है। बहुत सी गाड़ियों में जो स्टपनी होती है वो 1 इंच छोटी होती है स्टॉक टायर उससे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको 16 इंच के जो स्टॉक टायर मिलते हैं 16 इंच की जो आपको स्टपनी मिलती है। तो ये गाड़ी आपको 8,69,000 एक शोरूम परवल हरियाणा के अंदर कॉस्ट करती है। मैंने आपको सारी इसकी खूबियां बता दी कि क्या कुछ खूबियां हैं, कि क्यों आपको जो है मारुति की ब्रेजा लेनी चाहिए वेन्यू एंड किया सोनेट वगैरह छोड़कर, क्योंकि इसमें आपको जो एक पावरफुल इंजन मिल जाता है, लुक्स भी आपको बेटर मिल जाते हैं, और आपको ना उनसे बड़ी बड़ी सी लगती है देखने में। किया सोनेट और हुंडई की वेन्यू जो है इसके सामने ना थोड़ी छोटी छोटी सी लगती है देखने में। बाकी कैसी लगी आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।